Hello guys and welcome back to another adventure video from Phuket, Thailand. ये वन डे स्कूबा डाइविंग टूर की वीडियो है और इसमें आपको टूर कॉस्ट एंड इंक्लूजन की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये टूर एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट है स्कूबा डाइविंग एट राचा आइलैंड एंड सेकेंड पार्ट है फन एट कोरल आइलैंड। बोनस पॉइंट, अगर आपको स्कूबा डाइविंग में इंटरेस्ट है लेकिन आपको पानी के अंदर जाने से डर लगता है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं स्कूबा डाइविंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो आपको मेंटली प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्कूबा डाइविंग की वीडियो। ये वन डे स्कूबा डाइविंग टूर हमने फुकेट से बुक किया था, जिसकी कॉस्ट थी $40 पर पर्सन एंड बाकी की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सुबह 8 बजे हमें होटल से पिक करने के बाद फुकेट टाउन मरीना लाया गया, जो पटोंग बीच से रफली हाफ एन आवर दूरी पर है। यहाँ हमें लाइट ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया गया और उसके साथ साथ सेफ्टी ब्रीफ सुनाई गई। इसमें बेसिकली आपको पूरे दिन का प्लान बताया जाता है सो आप उस तरीके से प्रिपेयर कर सको। थर्टी मिनट स्पीड बोट के बाद हम पहुंच गए राचा आइलैंड। ये लोकेशन बिगिनर स्कूबा डाइवर्स और स्नोकलिंग के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ ओशन काफी काम रहता है और करंट भी काफी लो होता है। आइलैंड पर पहुंचने के बाद हमें एक ट्रैक्टर जैसी गाड़ी में बिठाकर 5 मिनट दूर स्कूबा डाइविंग के एक स्पॉट पर लाया जाता है, जहां हमें स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। हर 2 लोगों को एक स्कूबा डाइवर प्रोवाइड किया जाता है फॉर सेफ्टी रीजंस। ये इंस्ट्रक्टर आपको पूरा टाइम वॉच करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि आप पैनिक नहीं कर रहे। यकीन करें या ना करें, लेकिन स्कूबा डाइविंग स्विमिंग एंड स्नोकलिंग दोनों से बहुत इजी होती है, क्योंकि आप पानी के अंदर सांस ले सकते हैं और इसमें आपको स्विमिंग का आना भी जरूरी नहीं है। जब आप स्कूबा गियर पहनोगे तो आपको एक वेट बेल्ट भी पहनाई जाएगी। अब आप सोचोगे कि एक तो ऑक्सीजन टैंक इतना भारी है और ऊपर से ये वेट बेल्ट क्यों। मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि पानी के अंदर जाने के बाद आपको इनमें से किसी भी आइटम का वेट बिल्कुल भी फील नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप हवा में फ्लोट कर रहे हो। स्कूबा गियर पहनने के बाद आपको सबसे पहले शैलो वाटर में लाया जाता है, जो रफली 1 मीटर डीप होता है। जिन लोगों को पानी से डर लगता है उनके लिए यह स्टेप सबसे डिफिकल्ट होता है। आप पैनिक ना करें और सिर्फ 5 मिनट प्रैक्टिस करें, और अगर तब भी आपका मन नहीं मान रहा तो आप यहां से वापस जा सकते हैं। कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि आपको स्कूबा डाइविंग करनी ही करनी है, बस आपको स्कूबा डाइविंग के पैसे वापस नहीं मिलेंगे, जो कि बिल्कुल फेयर बात है। अब स्कूबा में आपको पानी के अंदर मुंह से सांस लेनी होती है। यह बात सुनने में स्केरी लगती है, लेकिन याद कीजिए कि जब कोल्ड से आपकी नाक बंद हो जाती है तो आप मुंह से ही तो सांस लेते हैं। बस वही बात यहां है, बट सब माइंड की गेम है। आपके लंग्स में हवा चाहे नाक से जाए या मुंह से, आप सांस ले सकते हैं। स्कूबा गियर में आप ऑक्सीजन टैंक को एक बैकपैक की तरह पहनते हैं, और ये सब गियर पानी के बाहर थोड़े भारी लगते हैं, लेकिन पानी के अंदर जाने के बाद ये सब आइटम्स का वेट गायब हो जाएगा। पानी के अंदर एक दूसरे से बात करने के लिए आपको बेसिक हैंड सिग्नल सिखाए जाते हैं, जो आपको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। अब आपके लिए क्विक क्विज है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि थम्स अप सिग्नल का मीनिंग क्या होता है पानी के अंदर। इसका जवाब
थोड़े आगे जाकर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट लेट्स चेक हु कैन आंसर दिस करेक्टली। पानी के अंदर आपको धीरे धीरे नेचुरली सांस लेनी है। कहने में ये बात काफी मुश्किल लगती होगी, लेकिन यकीन करें आप ये आराम से कर सकते हैं। आपका इंस्ट्रक्टर आपको स्टार्ट से फिनिश तक पूरा वॉच करेगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम या पैनिक होता है तो आपकी इमीडिएटली हेल्प भी करेगा। कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने सबसे डिफिकल्ट टास्क पूरा कर लिया है। इसके बाद सब आसान है। इंस्ट्रक्टर आपको धीरे धीरे पानी के अंदर डेप्थ में लेकर जाएगा, बस आपको उन्हें फॉलो करना है। हर एक दो मीटर डीप जाने के बाद हो सकता है आपके ईयर्स में हल्का सा पेन हो, जो कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। आप अपनी नोज को पिंच करें और बिना मुंह से सांस निकाले अपने लंग्स को एम्प्टी करें। हवा आपके कानों से बाहर निकल जाएगी और आपका बॉडी प्रेशर इक्वलाइज हो जाएगा और पेन भी खत्म। जब भी आपको कानों में पेन हो, आप इस प्रोसेस को रिपीट करें। पानी में डर तब लगता है जब आपको कुछ क्लियर दिखाई ना दे या आपको सांस ना आए। यहां आपको दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो जस्ट एंजॉय द व्यूज एंड ये आपको किसी 3D मूवी की तरह लगेगा। आपके फिन्स जो अपने पाँव में डाले हुए हैं वो आपको स्विमिंग करने में हेल्प करेंगे। बस आपको धीरे धीरे लेग्स को एक पैडल की तरह मूव करना है। अगर आपके आईपीस में या आपके मुंह में पानी आ जाए तो इसे फिक्स करने की टेक्निक आपको सिखाई जाती है, और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब इसे करने के लिए आपको आईपीस को ऊपर से प्रेस करना है एक हाथ से, और प्रेशर के साथ नाक से अपनी सांस को बाहर निकालना है। आपकी सांस आईपीस में पड़े पानी को अपने साथ बाहर निकाल देगी और आईपीस एकदम से क्लियर हो जाएगा। रफली 30 मिनट्स आप पानी के अंदर ऐसे घूमते हो जैसे शाम को किसी पार्क में टहल रहे हो। कोरल और फिश को देखते देखते पता नहीं लगेगा कि आप पानी के 10 मीटर डीप आ गए हो। समुंदर ऊपर से जितना रफ होता है, अंदर से उतना ही काम होता है। आपका ऑक्सीजन टैंक 1 आवर तक लास्ट कर सकता है। बेशक आपके पास ऑक्सीजन काफी है, लेकिन आपको सांस धीरे धीरे एंड डीप लेनी है। यह आपको काम रहने में भी हेल्प करती है। ऊपर आने के लिए थम्स अप का साइन यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है एंड ऑफ डाइव एंड टाइम टू गो अप। ऑलमोस्ट। तो ये था स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस, लेकिन वीडियो को पूरा देखें बिकॉज सेकंड पार्ट है फन ऑन कोरल आइलैंड। स्कूबा डाइविंग फिनिश करने के बाद हमें एक ट्रैक्टर जैसी गाड़ी पर बैठा के एक रेस्टोरेंट पर लेकर जाया गया, जहां हमें बफे लंच सर्व किया गया। बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ये आपकी टिकट में इंक्लूड है। लंच के बाद हमने राचा आइलैंड को टाटा बाय बाय कहा और बोट पर बैठ के निकल गए फॉर द नेक्स्ट स्टॉप विच इज कोरल आइलैंड। We'll be right back.
हाफ एन आवर बोट राइड के बाद हम पहुंचे कोरल आइलैंड। समुंदर के बीचों बीच ये किसी पार्टी आइलैंड जैसा लगता है, जहां रिलैक्स करने के लिए एक तरफ बार एंड बीच चेयर्स लगी हुई थी तो दूसरी तरफ एडवेंचर का माहौल था और लोग पैरासेलिंग कर रहे थे। अब यहां पैरासेलिंग की कॉस्ट फुकेट आइलैंड से कम होती है क्योंकि यहां टूरिस्ट कम आते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इट्स अ बेटर स्पॉट देन पटोंग बीच क्योंकि यहां रश काफी कम होता है। सिर्फ 900 बाट में आपको 15 मिनट की पैरासेलिंग का एक्सपीरियंस मिलता है। यहां हम 2 आवर्स के लिए रुके और अराउंड 4 o'clock हम वापस अपनी बोट में बैठ के निकल गए फुकेट। अराउंड 1 आवर बोट जर्नी के बाद हम फाइनली पहुंच गए फुकेट आइलैंड। वहां से हमें टैक्सी पर बिठा के अपने अपने होटल ड्रॉप कर दिया गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्पेशली जो लोग स्कूबा डाइविंग और जनरली पानी के अंदर जाने से डरते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको मेरे स्कूबा टिप्स में से कौन सा टिप सबसे यूजफुल लगा। वंस अगेन थैंक यू इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए एंड प्लीज चेक आउट अदर वीडियोज ऑन माई चैनल। आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।